हिस्ट्री के हैं, रुड़की के लोग हैं, वो एरिया को अच्छे से जानता हूँ। ये है लोने के लिए बैल वाली घंटी। तू भी वैसी होती यारी बैल की तरह ना, तो ले बैल वाली घंटी देखना कितनी क्यूट सी है। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज सुबह सुबह मैं टेस्ट कराने आ गया था नींद में, तो ब्लॉग अब स्टार्ट कर रहा हूँ। टेस्ट हो गए फाइनली, अब रिपोर्ट आएगी कल। अब मैं चाहूँ ना तो दो तीन दिन तो लग ही जाते हैं, पहले दिखाओ फिर रिपोर्ट आएगी एक दिन में, फिर तुम्हें दवाइयाँ मिलेगी डॉक्टर के लिए, अगले दिन अपॉइंटमेंट में आना पड़ेगा। तो टाइमिंग लिमिटेड है और लोग बहुत ज़्यादा है तो टाइम लग जाता है काफ़ी। तो हे गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सुबह मैं आके बस थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि सुबह सुबह चले गया था। और ये देखना, हमारे आम के पेड़ में आम आने वाले हैं, मतलब सीज़न आने वाला है, अभी तो आम आने में टाइम लगेगा। बट ये देखना कितने सारे फूल है, बट इतने आम आते नहीं हैं ऑब्वियसली। बट इसमें से पता नहीं कितने ही आएंगे आम, पर आते तो बहुत है। एक साल तो हमने मार्केट से बहुत ही कम खरीदे, मतलब कोई मेहमान आया तो ले आया, वरना तो हमने इसी पेड़ के आम खाए हैं। बाकी इसको देखना, ये छत में भी तौलिया लेके आ गई भाई अपना, अब तो लाना ही पड़ेगा इसके लिए खिलौना। भाई इससे नहीं खेलते भाई, ये तुम्हें नहलाने के लिए था, इसके लिए पागल। तो अभी मैं कर रहा हूँ ड्रोन फ्लाई क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस करनी है मेरे को, अभी थोड़ा हाथ सेट नहीं हुआ है तो परफेक्ट शॉट के लिए। बाकी रेगुलर प्रैक्टिस करता रहूँगा तो सही रहेगा। और सामने सनसेट भी हो रहा है तो शायद थोड़ा कुछ बढ़िया दिखे। गाइज, होप आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे, मैं तो ऐसी प्रैक्टिस कर रहा था। बट जो बुचड़ी के हैं, रुड़की के लोग हैं, वो एरिया को अच्छे से जानते होंगे जिन जहाँ मैंने उड़ाया है आज। मैं सोच रहा हूँ ऐसे रील भी डालूंगा, क्या लगता है डालनी चाहिए बुचड़ी स्पेशल रील। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट, थोड़ा कुछ काम भी था। और लूना देखना, इसको ना नीचे पानी रखा हुआ है पूरी बाल्टी भर के, बट पीना इसी से है देखना, पता नहीं क्या वो है ड्रामे इसके। और इसके लिए खिलौना भी लेके आऊंगा क्योंकि ये पता नहीं कपड़ों से खेलने में ज्यादा वैसे वो है आजकल, इतने बड़े बड़े तौलिया वगैरह ले आती है। तो बॉल वगैरह लाऊंगा, देखता हूँ कुछ मिलेगा तो। ये देखो डॉग्स का हेवन, तो लूना के लिए थोड़ी ट्रीट्स वगैरह लेने आया था मैं, और थोड़ा एक बॉल वगैरह जो पसंद आई ले लिया लूना के ट्रीट। और यहाँ देखना कितनी छोटी छोटी बर्ड्स है, देखना देखो यहाँ लगे ये पैरेट है और ये ग्रीन पैरेट ना, ये प्यारे लग रहे ना, मस्त मस्त। ओ भाई तोते के बच्चे, क्या हो भाई बहनों, सगे भाई बहनों क्या करते हो ये बैल में इस तो वो। सो गाइस, अभी मेरे को कुछ बच्चे मिले थे और मैंने उनको फ्रूटी वगैरह बांटी, जो मतलब मैं देहरादून से लेके आया था, तो काफ़ी बच्चे भी थी वहाँ, इतने बच्चे मिले नहीं। तो मैंने सोचा यहाँ जब जा रहा हूँ मार्केट तो वहाँ मिल जाएंगे बच्चे, मेरे को पता था कि वहाँ मिलते हैं, तो वहाँ मिले कम से कम 6-7 बच्चे। तो मैंने सबको दी तो वो तो ठीक है, फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि पैसे भी दो। बताओ अब ये मतलब मैंने एक चीज़ भी नहीं दी, तीनों चीज़ दी, फ्रूटी चॉकलेट और जो बिस्कुट था तीनों चीज़ें दी, उसके बाद बोल रहे हैं पैसे दे दो। मैंने बोला पैसे नहीं है। तो आप भी कभी ऐसे बच्चे मिले ना, या तो कुछ खिला पिला दिया करो, वरना पैसे तो मत दिया करो क्योंकि इनसे ना उनको और वो ऐसे लोग तो देते रहेंगे पैसे, तो वो और इनक्रेज होते हैं इस चीज़ के लिए। तो बेस्ट है आप कुछ खाना खिला दो या कुछ जो भी आप खा रहे हो, अगर वो खिला सकते हो तो वो खिला दो, वरना कुछ और जो बोल रहे हैं वो खाना चाहते हैं आसपास जो अवेलेबल है उसके हिसाब से उनको खिला दो कुछ भी, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से तो। बट पैसे तो बिल्कुल नहीं, मैं भी मतलब पहले देता था बट मैंने ये बंद कर दिया क्योंकि जब से मैं इस चीज़ में जुड़ा हूँ कोशिश केयर में, तो मैंने देखा कि वैसे कपड़े वगैरह लेने वैसे लेने के लिए कोई गरीब नहीं है, बट जब पैसों की बारी आती है ना तो सब गरीब हो जाते हैं, मतलब उनको पैसा चाहिए बस। मैं एक रिसेंटली देहरादून गया था, तो वहाँ एक बस्ती में गया था, मतलब बस्ती जो ऐसे रहते हैं तो उन्हें बस्ती बोलते हैं, तो वहाँ देखा मैंने लोग कपड़े लेने को तैयार नहीं है, मतलब ऐसे भी नहीं है कि हम फटे पुराने कपड़े बांटते हैं, नए नए कपड़े लोग वो लेने को तैयार नहीं है, बट अगर कहीं पैसा बट रहा होता ना, मतलब कोई पैसे दे रहा होता तो पैसे ले लेते, ना कोई खाने की चीज़ लेने को तैयार है, तो ये काफ़ी गलत चीज़ होगी है। तो आप भी इसको बढ़ावा ना दें जितना हो सकता है, तो बाकी तो आपकी इच्छा है जो भी करना है। तो बस ये बता रहा था मैं, बात याद आ गई थी, तो चलते हैं अब घर। और लूने के लिए मैंने एक छोटी सी घंटी भी ली है प्यारी सी, पहले बचपन में बनाई थी उसको घंटी और अब पहनाऊंगा उसको बड़ी सी, तो उसमें ना वैसी आवाज़ आती है जैसे गाय और बछड़े को नहीं बांधते घंटी, तो उसमें ना वैसी, और बना भी बैल सा है, तो लूना भी बढ़िया लगी, ठमक ठमक के तो चलती है वो, तो पता चलता रहेगा कहाँ कहाँ उल्टे उल्टे काम कर रही है मम्मी को,
मम्मी बोल भी रही थी काफी टाइम से कि उसके लिए एक बेल ले आना, तो अब ले जा रहा हूँ और फिर खाते हैं। लूना का रिएक्शन, लूना वैसे पागल से हो जाती है, स्टार्टिंग में से कुछ पहनाओ ना फिर आदत पड़ जाती है तो तब नॉर्मल हो जाती है। तो चलते हैं घर। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं घर और ये लूना पहले हम एक चीज चिज्जी लाए चिज्जी रुक जा रुक जा। ये तो है, ये क्या है, ये क्या है बोन्स, ये क्या है, ये क्या है, ये किसकी बॉल है, किसकी बॉल है, हैं किसकी बॉल है, ये कलरफुल सी तुम्हारी बॉल है, लो जाओ रुक जा टैग निकालने दे उसका रुक जा। और ये देखो ये है लूना के लिए बैल वाली घंटी, देख ना लूना ले ले देख, ये देख क्या है, तू भी वैसी होती जा रही बैल की तरह ना, तो ले बैल वाली घंटी देखना कितनी क्यूट सी है, ये देखना। तो ये पहनाता हूँ इसको और फिर देखता है कैसा लगता है लूना पे, देखना कैसी आवाज़ करेगी लूना। अभी देखना है, मैं लूना को घंटी बना दी, बढ़िया लग रही है इस पर, ये देखो एकदम गाय, ऐसा लग रहा है गाय आ गई है घर में। चलो जंप, ये देखना ए ट्रीट भी मिली, ले ले। अभी ना ऐसा नहीं लग रहा बैल घूम रही होगा हमारे उसमें, देखना छोटा सा देखना अब नहीं आएगी वो, अभी अभी हड्डी के पास है ना, अभी आपको पता चल जाएगा कहाँ से तानी कर रही है लूना। ले 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 और ले देखना अभी आएगी, अभी आएगी लालची, ले ले देखना आएगी आगे देखना, ले 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 अभी वो व्यस्त है हड्डी के साथ देखना। तो गाइस जो मैं लूना के लिए घंटी लाया हूँ, अभी मैं उसको लाया था बाहर, तो मस्त आवाज आ रही है एकदम सूटिंग से, ऐसे बैल वगैरह का झुंड नहीं चलता अभी, तो खैर एक ही है तो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, बट पता चल रहा है कि लूना कहाँ कहाँ घूमती है घर में, तो बढ़िया चीज़ है ये देखना। सुनो ठोंक ठोंक के चलती है, एक इसके रील बनानी पड़ेगी गुलाबी शरारा में ठोंक ठोंक वाले गाने पे, ऐसे चलती है भाई कसम से दिखाऊंगा कभी ना, वैसे चलती है पूरा आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा उधर। और अभी लाया था बाहर और अब तो बहुत ही गर्म होने लग गया है, तो मैं पहले गर्मी आती थी होली के बाद, अभी तो होली में भी बचे हुए हैं 6-7 दिन, मतलब एक हफ्ता बचा हुआ है, तो उससे पहले गर्मी शुरू हो गई है पूरा हाफ हाफ में। हाँ हाँ भाई कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी नई घंटी, और डंडा लेके आना पड़ता है वरना इधर उधर भागती रहती है, डंडा देख के थोड़ा कंट्रोल में रहता है आजकल, तो फिर भी सुन रही है बातें, पता नहीं शायद उम्र के साथ साथ मैच्योर हो रही है, है नहीं है बड़ी हो रही है। तो चलो तो हो गया लूना का काम फ्रेश होने का, तो अब चलते हैं अंदर। चलो अंदर, आज पता नहीं डंडी कैसे पकड़ ली, वैसे डंडी पकड़ती नहीं है यूजुअली, पर ये वाली पता नहीं कैसे लागी पकड़ के, कितनी खुश हो रही है इतने नए खिलौने से। अब तेरे को वो नहीं पकड़ना पड़ रहा ना कपड़े, देखना इसमें भी घंटी है ना और इसके गले में भी घंटी है, दोनों घंटी बज रही है एक बैल के लिए। ये भी बैल ही तो है हमारी, बैल है, भौंकती तो है नहीं बाहर, अंदर से बनती है बस, शेर छोड़ दे अब तो फेंकूंगा तभी तो। पता मेरे पे एक ट्रिक निकली है इसका ना, अगर बॉल छुड़ानी हो तो इसका ना कान पकड़ो, ऐसे कान उठाओ फूक मारो तो छोड़ देती है, अभी मेरे एक हाथ से कैमरा है ना उन्हें छोड़ देती है, अब ज़्यादा खींचूंगा तो तोड़ देगी बॉल, देख रहे हो। सो गाइस फाइनली करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं ऐसे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।